brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा में जो कुछ हो रहा उसे लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। पूरे बवाल पर उन्होंने कहा कि कनाडा में जो कुछ भी है वो ज्यादातर कनाडा की आंतरिक राजनीति का कारण है और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए विदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में और सुधार लाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत और एक्टिव प्रधानमंत्री की जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व स्तर पर भारत की छवि अब वास्तव में पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। कनाडा एक अपवाद है, विभिन्न देशों के प्रमुख भारत और उसके प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि खालिस्तान समर्थक लोगों का एक वर्ग कनाडा के लोकतंत्र का उपयोग कर रहा, एक लॉबी बना रहा और वोट बैंक बन गया है। कनाडा में सत्तारूढ़ पार्टी के पास संसद में बहुमत नहीं है और कुछ पार्टियां खालिस्तान समर्थक नेताओं पर निर्भर हैं। हमने उन्हें कई बार ऐसे लोगों को वीजा वैधता और राजनीतिक स्थान नहीं देने के लिए मनाया है जो उनके हमारे और हमारे संबंधों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, लेकिन कनाडा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जयशंकर ने कहा कि भारत ने 25 लोगों के प्रत्यर्पण की मांग की जिसमें से ज्यादातर खालिस्तान समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें, पिछले साल सितंबर में निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित इन्वॉल्वमेंट के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। कनाडा में खालिस्तान अलगावादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार करने वाले कनाडाई अधिकारियों ने कहा कि उनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई और हत्या में भूमिका निभाने वाले अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री ने इस पर कहा कि कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया, वो कुछ मामलों में हमारे साथ कोई सबूत साझा नहीं करते, पुलिस एजेंसियां भी हमारे साथ सहयोग नहीं करती। कनाडा में भारत पर आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। जैसे ही कनाडा में चुनाव आ रहा वो वोट बैंक की राजनीति में शामिल हो गए हैं। कई देशों के प्रमुख भारतीय प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। आपको बता दें, पिछले एक साल से लगातार भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने भारत पर झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन आज भी कनाडा भारत के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया और अब हाल ही में उसने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था जिस पर विदेश मंत्री ने भी अपना जवाब दे दिया। हालांकि दुनिया इस बात से वाकिफ है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं और अब जब चुनाव नजदीक है तो वो खालिस्तानियों का वोट पाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे। कनाडा की इस हरकत पर आपका क्या कुछ कहना है कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।